में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर में पिछले कुछ दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। लू, हीट वेव और भीषण गर्मी ने मानो लोगों का जीना दूभर कर दिया है। दिल्ली के हालात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहाँ का तापमान 46 डिग्री को पार कर गया है। अगर हम सफदरजंग वेधशाला की माने तो दिल्ली में अप्रैल महीने के तापमान ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस लू और रिकॉर्ड तोड़ते गर्मी की वजह से जहां एक तरफ आम लोग बीमार होने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ भयानक हीटवेव ने पर्यावरण पर असर डालना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि यमुना राजधानी दिल्ली की जीवन रेखा मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश दिल्ली को पीने का पानी इसी नदी से सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस साल जून जुलाई के महीने में दिल्ली में पानी की कमी से जल संकट गहरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल जून और जुलाई की गर्मी में सूखने वाली यमुना नदी इस साल मई की शुरुआत में ही सूखने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। दिल्ली में हालत यह है कि पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने जा रही है। और आपको बता दें कि लोग पूरी तरह से ताज़ा मौसमी फलों पर, पेय पदार्थों पर, नींबू पानी पर जो है अपना दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें इन्हीं चीज़ों से राहत मिल रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि आने वाले हफ्ते में जो पश्चिमी विक्षोभ होगा उससे तेज़ हवाएं चल सकती हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मौसम में बादल बदलाव हो सकता है, बादल छाए हो सकते हैं। तब अनुमान जताया है कि ऐसा अगर हुआ तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है अस्थायी तौर पर गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मई के महीने की बात करें तो वहाँ पर भी ठीक खबर नहीं आ रही है, क्योंकि मई के महीने में मौसम विभाग का ये कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, लू यानी हीट वेव वैसी ही पड़ेगी जैसी अप्रैल में पड़ रही है। अब अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी तपिश है, इतनी धूप है कि जो पशु पक्षी हैं वो भी हाल बेहाल हैं, और साथ ही साथ यमुना का पानी भी अब तो सूखने लगा। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए मई महीना गर्मी से राहत भरा बताया है। इस साल मई महीने में कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के चलते देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। यही कारण है कि विभाग ने राजधानी के लिए बारिश का अनुमान सामान्य से 9% ज़्यादा बताया है। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सही साबित हो गया तो दिल्ली वालों को पानी की समस्या और भीषण गर्मी से राहत जरूर मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।